शिकायत यही है कि आपके जमीन रहता तो कागज दिखाइए, यही ना खोज होगा तो कागज दिखेबे नहीं करते, उसका मैंने सामना करेंगे तो थोड़े खाली करके मकान भाग जाएंगे हम लोग। उसे मांगते हैं कि कागजात दीजिए, तो कोई कागजात वो देता नहीं है, वह कागजात देता है बप करने वाला का नाम खाली। भारत में हम लोग रहते हैं जहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है, अब वह उर्दू में फार्म देता है, उर्दू में हमको खतियान कागज देता है। प्रश्न ये उठता है कि लोगों को परेशान क्यों किया जाता है, इस तरह के कानून क्यों। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। वक्फ बोर्ड के संशोधन का मामला और इसको लेकर के जहाँ सियासत छिड़ी हुई है पूरे देश भर में, वहीं बिहार के फतुहा के गोविंदपुर से मामला सामने आया है, जहाँ पर जो वक्फ बोर्ड के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उनकी ज़मीन है। बता दें कि गोविंदपुर नाम का गांव जहाँ 95% हिंदू रहते हैं, वहाँ पर अचानक से ज़मीन पर दावा कर दिया गया है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। लोग परेशान हैं और लोगों के पास कागजात भी ज़मीन के हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के आगे बोर्ड भी लगा दिया गया है। ये बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से लगाया गया है और साफ तौर से इस पर लिखा है कि यह संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। वहीं थाना का नाम दिया गया है और साथ में नीचे में ये भी मेंशन किया गया है कि वक्फ समिति की खरीद बिक्री या किसी तरह का अतिक्रमण वक्फ अधिनियम 1995-2013 की धारा 52A2 के तहत गैर जमानती अपराध है। तो अब इसको लेकर के पूरे देश भर में जहां बवाल मचा हुआ है, वहीं अगर बात की जाए बिहार की तो बिहार में फतुहा से सटे गोविंदपुर में क्या माहौल है फिलहाल इस वक्त, जो लोग परेशान हैं, गांव वासी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? बनवारी जादपुर। तो क्या है, आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कितनी ज़मीन है फिलहाल इस गांव में? मेरा ज़मीन जो है ना, मेरा साला के है। अच्छा। इस सब बग बोर्ड में डाल दिया है, ये मास्टर साहब के, इसका बगल में सब डाल दिया। अब बग बोर्ड वाला सब मांगा जाता है कागज़, तब कहता हम कहाँ से देंगे। ये नकली रसीद कटा के कहता कि मेरा ज़मीन है। अच्छा। तो ये ज़मीन होगा इसका कैसा? हाँ। नकली ना है, बस कागजात हैं ज़मीन के। हाँ, पूरा एकदम कागजात है। हाँ। देखिए ना, चलिए देखो। भी दावा किया था। हाँ, दावा कर रहा है। वैसे तो कई लोग होंगे आपकी तरह पूरे गांव भर में कि वो परेशान होंगे इस चीज़। हाँ, परेशानी कर रहा है ये। हाँ, परेशानी कर रहा है। लगभग कितने हिंदू इस पूरे गाँव में रहते? 95% हिंदू है, 5% मियाँ है। एगो मियाँ है जो सबके तबाही करे हुए है। अब मारेगा तो कहेगा कि हिंदू मिल के मार दिया। अच्छा। जी सर, क्या नाम है आपका? अशोक महतो। अशोक महतो। अशोक महतो। हाँ। ठीक है, यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ से आज से नहीं है, कुछ दिन से दम रहते हैं। हाँ, खानदानी जमीन है। खानदानी है, जमीन है। हाँ, बाप दादा आपके रहते हैं? कितने साल से, मतलब कितना साल से बतावे भाई, बाप दादा है आज से। आज से है। तो यहाँ पर आपकी जमीन? हाँ, जमीन अपना है। कितनी जमीन है आपकी? ये हमें अपने सब जमीन सब बस बस लगभग वो सब के डाल दिया है, उस सब डाल दिया है, ये सब के नहीं डाला है। हाँ, रहता तो घेरेबे करता नहीं है। पूरे कागजात हैं? हाँ जी, कागज कागज दिखाते हैं सारा, ये दिखावेंगे अपने। हाँ, इसके बाद भी दावा हो रहा है। हाँ, तो कैसे दावा कर सकता है फिर? जबरदस्ती आप कुछ नहीं है। हाँ, आप कोई बात नहीं, जबरदस्ती है। कितना समय आप लोगों को दिया गया खाली कर? खाली लगा है, एक महीना के टाइम हुआ है तो कि खाली कर 10 रोज का टाइम दिया था। हाँ, तो खाली नहीं अभी हुआ। हाँ। अच्छा, तो इसमें और आप लोग कहीं शिकायत किए कि आपकी ज़मीन है, ऐसी परेशानी? शिकायत ये है कि आपके ज़मीन रहता तो कागज दिखाइए, यही ना खोज होगा तो कागज दिखेबे नहीं करते। कोई कागज नहीं है, समझे ना, कोई कागज नहीं है। ये छोड़ दिया गया था कि जाए तो पहले का बात था, अब वो हरकत किया, कागज निकाले गया, कागज 3 करोड़ लाल के ज़मीन है, सब 3 करोड़ लाल के ज़मीन है। पूरी जितनी भी यहाँ पर ज़मीन है सब पे दावा किया जा रहा है। हाँ, अब कोई बात नहीं। से पैसा लेता था किराया, उधर किराया तहसीलता था, कैसे कि मेरा है, मेरा कैसे हो जाएगा,
एक महीने के डेट दिया कि खाली करो, कौन खाली करावे आता है, खाली करावेगा जमीन जाके असली जमीन है तू खाली करा दोगे, जाके कोर्ट से डिग्री हो गया, बाग बोर्ड वाला कह इसकी तोर जमीन बाग बोर्ड के कागज है तो दिखाओ, तो कह इसके हम कहाँ से दिखावेंगे, तो ये बबलू वो पटांगा बबलू मियाँ का है, तो ये जाके उससे समझो, वो कहता है उससे समझो, और कोर्ट तो हाई कोर्ट तो डिग्री दे ही दिया। चलिए ठीक है, महिला भी हैं, कितना साल से आप रह रही हैं? हमको यहाँ नैहर है तो, हाँ हमको तो दादा दादी परदादा सब मने है खानदानी में है। हाँ अच्छा, तो कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से जमीन ले लिया जाएगा, घर तोड़वा दिया जाएगा, आप लोगों का घर खाली करा दिया जाएगा, ये सब हम यहाँ ना रहते हैं ना, यहाँ नहीं तो रहते तो है ना आप लोगों की। हाँ हाँ दारा तो कर रहा है। हाँ तो फिर क्या कीजिएगा फिर ऐसे में? अब ये लोग नहीं जानतेगा, हम तो लोग नहीं यहाँ रहते हैं, नैहर में ना है, लेकिन हाँ शुरू से ही, हाँ शुरू से, हाँ हमको परदादा छरदादा सब भेजे मैंने रहती जमीन में है। हाँ अपना हाँ जमीन भी यहाँ सब रोक लगा रहा है। देखिए ये गोविंदपुर का वही पूरा इलाका है जिसको लेकर के इन दोनों हर ओर चर्चा हो रही है। कारण है कि गोविंदपुर का इलाका, गोविंदपुर गांव जिसे लोगों ने पाई पाई जोड़कर बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक जो लोगों की संख्या है वो बड़ी संख्या है, और ये पूरी ज़मीन अब वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। ऐसे में तमाम जितने भी लोग हैं वो परेशान हैं। क्या नाम है सर आपका, ये बताइए? राम बाबू शाह। राम बाबू शाह जी, कितने वर्षों से यहाँ? 1960 से हम रह रहे हैं जी। आपके पूरे परिवार यहाँ पर हैं जी? ठीक है। हाँ तो ये बताइए कि दावा आप किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि ज़मीन उनकी है, तो फिर किस तरीके से आप लोग क्या करेंगे इस? अब तो जो समाज लोग चाहेंगे वही रास्ता ना अपनाया जाएगा। हाँ जी। तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जो मोहल्ले के और लोग हैं जिनकी ज़मीन पर दावा कर रहे हैं? मोहल्ले के लोग यही कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग नजायज तरीके से पेश आ रहा है, समझे? जी। वो अच्छा, आपके पास कागजात हैं पूरे आपकी ज़मीन के? हाँ है तो हमारे पास है, तो रजिस्ट्री का सब कागजात है, ऐसे ही मकान बना हुआ है, 1960 में हमारा खरीदगी वो ज़मीन है जी। तो समय फिर क्या रास्ता है आप लोगों के पास, क्या करेंगे फिर? आप लोगों को तो समय भी दिया गया है एक। हाँ तो ऊपर तक के हम लोग जा रहे हैं जी, ऊपर तक के जा रहे हैं, मकान छोड़ करके भागेंगे तो नहीं, कहाँ हम लोग रहेंगे? अगर खाली करवाने के लिए अगर लोग आते हैं उसके बाद उसका मैंने सामना करेंगे, वो थोड़े खाली करके मकान भाग जाएंगे, हम लोग रहेंगे कहाँ, समझ गए ना? अच्छा कागजात आपके पास है, कागजात दिखाएंगे? कागजात तो हमारे बेटा के पास में है, दुकान पर है। नीचे वो लाइटेड किए हैं, सुझाते हैं 3 दिन बोला। इसी में वो अपना दो हाथ पांव भाग रहा है, वो अपना वर्चस्व जमाना चाह रहा है, समझ गए ना? बात यही है। और हिंदू तो हम लोग सारे गांव हैं, मुहम्मदन दो घर है यहाँ पर। देखिए गोविंदपुर गांव के एक शख्स हमारे साथ है जो मास्टर साहब के नाम से फेमस है, इनकी जमीन जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, इनके पास सारे के सारे कागजात फिलहाल मौजूद हैं, और देखिए कागजात लेकर के बैठे भी हैं सर। पाई पाई जोड़कर बनाई गई आप लोगों की ज़मीन, और काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं आपके पूर्वज, और ऐसे में वक्फ बोर्ड दावा करता है, कागजात आप लेकर के बैठे हैं, क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया क्या चल रही है? ये वक्फ बोर्ड अपना नोटिस दे दिया कि हमारा ज़मीन है, जबकि हम लोग का ये पुश्तैनी ज़मीन है। 1910 में 1908 से 10 के बीच में जो सर्वे हुआ उसमें नाम है 3 कौड़ीलाल जी का, उनके वंशज जो हैं परपोत्र बगल में घर बना के रह रहे हैं, उन्हीं में से हम लोग खरीद के भी रह रहे हैं, 50 वर्षों से हम लोग रह रहे हैं, और उस पर वह दावा करता है, उसे मांगते हैं कि कागजात दीजिए, तो कोई कागजात वो देता नहीं है, वह कागजात देता है बब करने वाला का नाम खाली,
जिस चाहते हो जो जमीन को चाहता है कि हम ले लें उसको कहता है नोटिस कर करके, उसके पास कोई कागजात नहीं होता है। ये तो दादागिरी करता है, ये जमीन को एक तरह से हड़पने का तरीका बना लिया है इस पर। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह के कानून क्यों बनाया है लोगों को। बब के जो डीएम का अधिकार, डीएम लिख रहे हैं कि हाँ आपका रहती जमीन है, लेकिन उन्होंने उस पर कह दिया कि ट्रिब्यूनल के पास जाइए। ट्रिब्यूनल के पास क्यों जाएं भाई, आप हमसे रेवेन्यू लेते हैं, रेवेन्यू के मालिक हैं, ये अधिकार तो डीएम को होना चाहिए ना, क्यों आप उस पर दे रहे। उससे देता है वह, भारत में हम लोग रहते हैं जहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है, और वह उर्दू में फार्म देता है, उर्दू में हमको खतियान कागज देता है, जिसका हिंदी अनुवाद मानते हैं तो कहता है कि हिंदी में लिख के दिया कि हम उर्दू में हिंदी अनुवाद करने में असमर्थ हैं। ये कहाँ का है रे? एक देश में रह रहे हो और तुमका तो हिंदी लिखे आता है, उसका हिंदी अनुवाद तुम नहीं दे सकते हो, तो आम आदमी हिंदी अनुवाद कहाँ कराएगा? तुम क्या छिपाना चाहते हो, इस तरह से छिपा के क्या करोगे? उसका हिंदी अनुवाद लोग करेंगे ही, हिंदी अनुवाद होता है उसमें हिप हॉप करने वाला का नाम गायब रखते हैं लोग। हमारे पास उसका पूरा खतियान है, तिनकौड़ी लाल के नाम से डीएम का ऑर्डर है, इसमें से 2 डिसमिल जमीन बियाजवार समिति बनाने के लिए 1972 में गजट करके लिया गया है। अरे गजट जब हुआ, पब्लिश हुआ, तुम कहाँ था? 1974 में उसका पहला अवार्ड मिला, उसके विरुद्ध सिविल कोर्ट में फिर गए तो 1976 में फिर अवार्ड लिए, फिर उसके विरुद्ध गए तो 1978 में फिर अवार्ड मिला। 3 अवार्ड हम लोग को मिल चुका है इस जमीन पर, 3 बार तो सिविल हम लोग लड़ चुके हैं। चौथी बार में डीएम ने चले गए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट जा करके वो बात को रखे, तो हाईकोर्ट में वह 2015 में हमसे विड्रॉल किए जमीन को कि नहीं कहा आपका जमीन है, अवार्ड आपका सही है। इसके बाद वह हाफिडेविट करते हैं हाईकोर्ट में कि हाँ इन लोग का जमीन है, पूरे भुअर्जन से ले करके और आपका बाजार समिति डीएम सब दिए हैं, सरियो दिया कि हाँ इन लोग का जमीन है, तो फिर इन लोग क्यों है भाई? ऐसे लोगों पर तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रोसेसेस है, कौन कौन से कागजात फिलहाल सर आपके पास? हमारे पास खतियान है, पूरा बाजार समिति एक्वायर किया है, उसका गजट से लेके पूरा डीएम तक जो रिपोर्ट वहाँ फिटिपिट करके दिए हैं हाईकोर्ट में हुआ है, पूरे हम लोग अवार्ड लिए हैं वो हमारे पास है। इसके बाद आप क्या कागजात चाहिए हमारे पास? एक जमीन को खतियान है हमारे पास, सरकार का दिया हुआ है, हमारे रसीद कट रहे हैं, हम लोग काबिज हैं, 8 बार घर बना रहे हैं, उनके परपोत्र लोग घर बना कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या कागजात की आवश्यकता पड़ेगी? इसके अलावा तो हमें लगता है कोई कागजात की आवश्यकता, रिपोर्ट लगा दिया गया और दादा, ये तो दादागिरी है, ये तो रूल जुमना उसके अनुसार दादागिरी कर रहा है, इसके अलावा और कुछ के बाद नहीं। समय सीमा एक दी गई है आप लोगों को, उस पर तो हाईकोर्ट का डिसीजन जब आया तो डीएम ने उसको अपने निरस्त किए हैं, उसको तो कागज आपको दिखा दिए कि हाँ निरस्त किए उन्होंने, और कहे कि नहीं नहीं इसमें तो गति नहीं होगा, तो डीएम तक तो निरस्त हो गए उन लोग हो गए। प्रश्न ये उठता है कि लोगों को परेशान क्यों किया जाता है, इस तरह के कानून क्यों? ये पूरे पावर डीएम तक ही सीमित रखें कि आम आदमी, हम तो लड़ गए, आम आदमी कहाँ तक जाएगा लड़ने के लिए, किसके पास लड़ेगा? वह तो कहता है हमारे पास कोई कागज नहीं, तो मौखिक बप भी होता है, ऐसा तो हम सुने नहीं कि मौखिक भी बप होता है, देश का दो मौखिक, ये क्या तरीका बना दिया है लोग? उन लोगों को बोलने में रहा, एक बार और उन्होंने का स्टेटमेंट सुन रहे थे तो बोले कि मुगल काल से रहे, उनको कहने में भी संयम नहीं आता है कि मुगल काल के नाम लेते हो, मुगल के पहले तो अशोक था, तो हमारा सब तो तुम तो है ही ना, जन्मे ना तोर हुआ था, वो घड़ी कहाँ तू था, ये सब बोलने की चीज़ नहीं है। आप ऊँचे पद पर हैं तो संभर के जरा बोलिए, क्या क्या बोल देते हैं ऐसे ही आम आदमी भावना भर के, इस तरह की बातें क्यों बोलते हैं वो लोग? कि आप लोग का भी जो जमीन है उस पर भी दावा किया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो कौन से जमीन को किया? यही सब का काम है। इस गांव में ज्यादा हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? ज्यादा तो इधर पर हिंदू है मिल रहे हैं, उन्हीं मुस्लिम है। हाँ फिर भी वोट बोल रहे हैं कि हम लोग का जमीन। हाँ तभी बोल रहे हैं। आप लोग कितने साल से? हम सब का खानदानी जमीन आ रहा है, हम तो सब पुतहू है। हाँ हम सब खानदानी आ रहा है, बूढ़ा बूढ़ी गुजर गया, दादा से छर दादा तक गुजर गया। हाँ यहाँ का जो लोग है, जो इधर की जमीन है जिस पर दावा किया जा रहा है, वहाँ लोग कितने समय से और जैसे हम सब रह रहे हैं जैसे वो सब रह रहे हैं। हाँ हाँ क्या कारण है कि वो लोग दावा कर रहे हैं? जो आपके रास्ता के चलते हो रहा है, रास्ता के चलते, और कुछ का अथी नहीं है, वो अपना जमीन है, उसको जमीन नहीं है। हाँ अच्छा, जो वार्ड पार्षद है बबलू खान, वो क्या कह रहे हैं मामले में? कुछ कि हमको हमरा हो जाए, आप कुछ कर रहा है, वही सब करते, आप कुछ कहेगा? अच्छा। कोई हमको जमीन कोई तोरा दे देंगे तो दे देंगे, नहीं ना देंगे तो वही बात है, हम रह रहे हैं तो तुमको कैसे दे देंगे? रुपया लगाए सब अपना रहे लगी कि तोरा देवे लगी?
और कोई बात नहीं, वो समझ रहा कि लाओ सबके घेर ले। हाँ तो घेरे के बाद हिंदू दे देगा घेरे लगी, कुछ नहीं देगा घेरे लगी। हाँ तो जिस तरीके से हम लोगों ने गांव वालों से बातचीत की, गांव वालों का साफ तौर से कहना है कि उनके पास पूरे ज़मीन के कागजात हैं, खतियान हैं, बावजूद इसके पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये लाइन से जितने भी घर हैं इन पर वक्फ बोर्ड का दावा किया जा रहा है, पूर्वज रहते आए हैं इन घरों में इनके, और 100 वर्षों से भी अधिक से इनके जो पूर्वज हैं वो यहाँ पर रहते आए हैं, और इसके बावजूद दावा जो है वो ये किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि उनकी ज़मीन है। तो अब ऐसे में सवाल बड़ा उठता है, सवाल ये है कि खतियान सभी लोगों के पास मौजूद है, कागजात सभी लोगों के पास मौजूद है, तो फिर ऐसा आखिर कानून क्यों कि वक्फ बोर्ड लगातार दावा कर रहा है कि उसकी ज़मीन है। बता दें कि यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, और बोर्ड लगाकर दावा किया जा रहा है इस पूरे गांव को लेकर के, ये दावा है कि ये पूरे गांव की ज़मीन जो है ये वक्फ बोर्ड की है। अब क्या कुछ आगे इस मामले में देखने को मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो कुछ लोग हैं वो कोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं, और जो अवधि दी गई थी, जो समय सीमा तय की गई थी कि 30 दिनों के अंदर ज़मीन को खाली करना है, यहाँ से लोगों को हटना है, उसको निरस्त कर दिया गया है। और अब फिलहाल इस मामले में आगे और क्या कुछ होता है, नियम में बदलाव किए जाते हैं या फिर जिस तरीके से दावेदारी वक्फ बोर्ड कर रहा है उसको लेकर के क्या किया जाता है, बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन शशि और अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।